नैनीताल पुलिस ने नैनीताल की चेक पोस्ट पर अभियान चलाया हुआ है। एमबीआर बैरियर चोरगलिया, हल्द्वानी में बेल बाबा बैरियर, लालकुआ बैरियर, रामनगर में पीरुमुद्रा बैरियर, कालाडूंगी में गड़पुर बैरियर, नैनीताल की सीमा से लगे भोवाली में क्वाराब बैरियर पर सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी गई है। इस दौरान नैनीताल आ रहे 579 वाहनों में सवार 1680 लोगों की जाँच की गयी। इसमें से 117 वाहनों में सवार 350 लोगों के पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। ऐसे लोगों को चेक पोस्ट से ही वापस कर दिया गया। पर्यटकों को नैनीताल आने से पहले होटलों के बारे में भी जानकारी जुटा लेनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो पार्किंग सुविधा वाले होटल को प्राथमिकता दें। ऐसा कर पार्किंग की दिक्कतों से बचा जा सकता है। यदि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं तो यहां पहुंचने के बाद होटल तलाश लें। देरी से होटल खोजा तो वह जेब पर भारी पड़ेगा। ऐसा भी संभव है कि कमरे मिले ही नहीं, क्योंकि ज्यादा भीड़ बढ़ने पर कई बार यहां सैलानियों को अपने वाहनों में भी रात गुजारते देखा गया है। सैलानी नैनीताल में प्रवेश से 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी जरूर लाएं और कोविड नियमों का पालन करें। यदि आप विंगर और टेम्पो ट्रेवलर 8 से अधिक सीटों वाला में नैनीताल आते हैं तो आपको 5 किलोमीटर दूर स्थायी पार्किंग स्थलों पर ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि शहर में ऐसे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में नैनीताल आने के लिए टैक्सी का सहारा लेना होगा। वहीं बारिश के मौसम में नैनीताल आते वक्त छाता या रेनकोट जरूर साथ लाएं।